इतना ध्यान रखना कि हमारा सुनना कैकई की तरह नहीं शबरी की तरह हो। कैकई मंत्रा से राम जी और कौशल्या की निंदा सुन लेती थी और सुनते सुनते फिर क्या हुआ, को न कुसंगति पाई न साई। कुसंगति से किसका नाश नहीं हुआ। इसलिए एक बात हम सभी को ये ध्यान में रहे कि हमारा सुनना ठीक हो, गलत व्यक्ति से गलत बातें न सुनी जाए। दूसरी बात, हमारा देखना ठीक हो। थे तो भगवान राम पर सुग्रीव को वाली के भेजे हुए आदमी लग रहे थे। सुग्रीव ऋषयमुख पर्वत पर बैठा था, भगवान राम और लक्ष्मण सीता जी की खोज में आए हैं तो साक्षात ईश्वर, पर सुग्रीव को लगता है कि शायद ये वाली ने भेजे हैं। वाली सुग्रीव की दुश्मनी थी। सुग्रीव ने हनुमान जी को कहा कि जाओ जरा देखो कहीं ये वाली के भेजे हुए आदमी तो नहीं है। अगर ये वाली के भेजे हुए आदमी होंगे तो भागूं तुरंत तजाऊं यह शैला, मैं फिर यहाँ से चला जाऊंगा। और हनुमान जी आए, हनुमान जी का देखना ठीक था। तो अपना सुनना ठीक हो, अपना देखना ठीक हो। हनुमान जी ने क्या देखा कि साधारण व्यक्ति नहीं या वाली के भेजे हुए आदमी नहीं, ये तो साक्षात भगवान है। और फिर हनुमान जी ने सुग्रीव की भी भ्रांति दूर की। हमारा देखना युधिष्ठिर और अर्जुन की तरह हो, दुर्योधन और शाकुनी की तरह नहीं। निंदा करने वाले कई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले, उनका देखना दुर्योधन और शाकुनी की तरह है, और साधकों भक्तों का देखना युधिष्ठिर और अर्जुन की तरह है। श्री कृष्ण वही के वही थे। दुर्योधन और शाकुनी को वो अपने दुश्मन लगते थे और युधिष्ठिर अर्जुन को अपने आराध्य देव लगते थे। तो हमारा देखना ठीक हो, सुनना ठीक हो। तीसरी बात, हमारी सोच ठीक हो। हम इधर उधर की बातें सोचते न रहें, फालतू व्यर्थ की बातें सोचते रहेंगे, समय भी जाएगा, शक्ति जाएगी, बेकार दिमाग में कचरा भरा रहेगा। रावण और विभीषण दोनों भाई थे, पर विभीषण भक्ति करता था, रावण विरोध करता था। सोचना ठीक नहीं था। सोने की लंका में रहने के बावजूद भी सीता जी के प्रति उसकी आसक्ति हुई। सोचना ठीक नहीं होता है तो परिणाम जीवन में ठीक नहीं आता है। तो देखना ठीक हो, सुनना ठीक हो, सोचना ठीक हो। और फिर चौथी बात, हमारे जीवन में समझना भी ठीक हो। बात कुछ कही गई हो और अर्थ अपने मन से लगा लिया हो। राम जी के आदेश से वानर सेना ने समुद्र पे सेतु का निर्माण किया, तब राम जी सेतु का निरीक्षण करने के लिए पुल के वो बांधियों से जोवा माटे आवी रहा था। पुल ऊपर उभा रहा, चारे बाजू नजर नाखी। समुद्र के जितने जलचर जीव थे वो पानी के ऊपर आ गए, ऊपरी सतह पर आ गए राम जी को देखने के लिए, राम जी के दर्शन के लिए। राम जी ने जामवंत को कहा कि जामवंत अब देखो, एक पुल तो तुमने बनाया और एक पुल ये जलचर जीवों का है, चारों तरफ पुल ही पुल है, जिसको जहाँ से जाना हो इनके ऊपर पैर रख के जा सकते हैं। जामवंत जी ने कहा प्रभु हम इनके सिर पर पैर रखते हुए जाएं और ये तो जलचर प्राणी हैं, पानी के अंदर डुबकी लगा लें तो हमारा क्या होगा। राम जी ने कहा कि ये ऐसा नहीं करेंगे,
क्यों? क्योंकि इनकी नज़र मुझ पर है। जिसकी नज़र ईश्वर पर हो, जिसकी नज़र में भगवान हो, जिसकी आँख में वासना न हो, जिसकी आँख में उपासना हो, वो आदमी न खुद डूबता है न दूसरे को डुबाता है। जामवंत, इनकी नज़र ईश्वर पर है, न ये खुद डूबेंगे न दूसरे को डुबाएंगे। इन पर भरोसा करना। अब देखो, जलचर जीव थे ये, पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी सेवा में कितना इन्होंने अपना योगदान दिया। और तुलसीकृत रामायण में वर्णन है कि वानर सेना जलचर जीवों के सिर पर पैर रखकर भी गई है लंका में। कई आकाश में से उड़ान भरते हुए वानर गए, कई जो सेतु खुद ने बनाया था वानर सेना ने, उस पर चलते हुए गए, और कई जलचर जीवों के सिर पर पैर रखते हुए पूरा दरिया पार कर गए, पूरा समुद्र पार कर गए। पढ़े लिखे नहीं थे, बड़े महलों में या मकानों में नहीं रहते थे, पानी में रहते थे, वो भी समुद्र का खारा पानी। खारे समुद्र के पानी में रहने वाले जलचर जीवों को भी इतनी समझ थी कि हमको भी राम काज में अपना योगदान देना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। पर आजकल कई पढ़े लिखे, उनमें से कई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले, वो राम काज में जुड़ते तो नहीं, सेवा तो नहीं करते, पर तोड़ने का काम करते। उनकी ये पढ़ाई लिखाई किस काम की? कि किसी को गुमराह करना, अपनी योग्यता के द्वारा किसी की सेवा हो, किसी का भला हो, किसी का पोषण हो, शोषण क्यों हो? तो जलचर जीवों ने सेवा की, नभचर जीव जटायु संपाति उसका भाई, इन्होंने सेवा की। जटायु ने सीता जी को रावण से छुड़ाने के लिए खूब प्रयास किए। नहीं छुड़ा पाया क्योंकि रावण ने धोखे से उसके पंख काट दिए। तो जटायु के भाई संपाति ने वानर सेना को सीता जी कहाँ है उसका पता बताया। जलचर जीवों ने सेवा की, नभचर जीवों ने सेवा की, और वानर सेना थलचर इन्होंने भी सेवा की। परंतु कई ऐसे, सेवा न करें तो कोई बात नहीं, पर जो करते हैं उनको ईश्वर की भक्ति के मार्ग से विमुख क्यों करना? भगवान कृष्ण को बहुत क्रोध आया ब्रह्मा जी पर। क्यों आया? कि ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण के ग्वाल मित्रों को श्री कृष्ण से दूर करने का अपराध किया। इंद्र ने बारिश खूब की, मेघों को आदेश दिया व्रज पर टूट पड़ो, श्री कृष्ण ने गोवर्धन उठा लिया, सब ब्रजवासियों को कहा कि गिरिराज के नीचे आ जाओ, सबकी रक्षा होगी, ये गोवर्धन भगवान सबकी रक्षा करेंगे, और सबकी रक्षा हुई। आज भी लोग गोवर्धन की परिक्रमा करने जाते हैं, लाखों लोग जाते हैं, गोवर्धन की पूजा करते हैं। तो श्री कृष्ण भगवान ने ब्रजवासियों की रक्षा की गोवर्धन उठाकर। इंद्र देवता को अपनी भूल समझ में आई, देवता थे ना, साधारण आदमी नहीं थे,
उनको भूल समझ में आई और उन्होंने श्री कृष्ण से माफी मांगी। भगवान कृष्ण ने उनको माफ कर दिया तुरंत। पर ब्रह्मा जी ने तो, इंद्र ने तो खाली बरसात की ज्यादा, पर ब्रह्मा जी ने तो श्री कृष्ण के भक्तों को उनसे दूर करने की कोशिश की और कर दिया। इसलिए श्री कृष्ण ब्रह्मा जी पर बहुत नाराज हुए कि ये नहीं करना चाहिए था, मेरे प्यारों को मुझसे दूर करने का काम किया। जब कोई व्यक्ति भक्तों को भगवान से, साधक को सद्गुरु से दूर करने का कोई पाप करता है तो ईश्वर उस पर राजी नहीं होते कि खुद भक्ति नहीं करता, खुद सत्संग नहीं सुनता, तो जो सुनते हैं उनको दूर तो मत कर, उनको तो भगवान की तरफ चलने दे। श्री कृष्ण ब्रह्मा जी पर बहुत नाराज हुए, बहुत माफी ब्रह्मा जी ने मांगी, तब जाके श्री कृष्ण को दया आई और ब्रह्मा जी को क्षमा किया। नहीं तो पहले तो सामने देखने से इनकार कर दिया, श्री कृष्ण ब्रह्मा जी की तरफ देखते भी नहीं। तो ब्रह्मा जी तो सत्व संपन्न थे, उन्होंने भी श्री कृष्ण से माफी मांगी। पर आजकल जो निंदा करते हैं अखबारों के द्वारा या टीवी चैनलों के द्वारा, सब ऐसे नहीं होते पर कई ऐसे होते हैं, तामसी वृत्ति होती है ना, इसलिए उनको माफी मांगने का सूझता भी नहीं, क्योंकि उनको लगता है कि हम सही हैं। और ये बात भगवान कृष्ण ने गीता में पहले ही कह दी है कि जिनकी बुद्धि तामसी होती है वे लोग सही को गलत मानते हैं और गलत को सही मानते हैं। पशुओं की हत्या को मांस का उत्पादन बोलते हैं, गर्भपात जैसे महापाप को परिवार नियोजन की संज्ञा देते हैं, धर्म विरुद्ध को धर्म निरपेक्ष बोलते हैं, धार्मिकता को सांप्रदायिकता बोलते हैं। ये तामसी बुद्धि वाले लोग खुद तो गलत राहों को चुनते हैं, दूसरों की भी सही राहें छुड़ाने का गलत काम करते हैं। पर साधकों को शिवजी की बात याद रखनी चाहिए। जब शिवजी की पत्नी सती ने शिवजी को कहा कि मैं भगवान राम की परीक्षा लूंगी कि ये ईश्वर है कि नहीं, आपने तो पत्नी के वियोग में घूमने वाले राम जी को जय सच्चिदानंद जग पावन कह के प्रणाम किया, पर मैं परीक्षा लूंगी, कि ये ईश्वर है या नहीं। शिव जी ने बहुत कहा कि ये ईश्वर है, इनकी परीक्षा मत लो, वहम मत रखो, पर सती नहीं मानी। उल्टा सती शिवजी को कहती है कि आप भी चलो मेरे साथ परीक्षा लेने के लिए। शिवजी ने कहा कि देवी मैं नहीं आऊंगा, क्योंकि विश्वास कभी वहम का साथ नहीं देता है, तेरे अंदर वहम है और मेरे अंदर विश्वास। शिवजी तो विश्वास के ही प्रतीक, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, विश्वास कभी वहम का, शंका का साथ नहीं देता है। अगर शंका हुई तो विश्वास था ही नहीं, थोपा हुआ था। धार्मिक व्यक्ति अगर अपने जीवन में कभी अधार्मिक हो जाता है, माला छोड़ देता है, उपवास छोड़ देता है, जप तप छोड़ देता है, तो समझो वो धार्मिक था ही नहीं, उसकी धार्मिकता आरोपित थी, थोपी हुई थी, उसने आत्मशक्ति का आरोहण नहीं किया था। धार्मिकता और नैतिकता का आरोपण न हो, आरोहण।
तो भक्तों को शिवजी की बात, साधकों को शिवजी का ये वचन ध्यान रखना चाहिए। और शिवजी नहीं गए, और सती गई, तो शिवजी ने क्या सोचा, जो अब करो सती सन प्रीति, मिटे भक्ति पथ होए अनीति। अब भी अगर मैं सती का साथ दूं तो ये अनीति कहलाएगी, क्योंकि इसने मेरे राम जी के प्रति शंका की है। अब मैं सती के साथ बात नहीं करूंगा, अगर करूं तो मिटे भक्ति पथ होए अनीति। शिवजी ने संकेत दिया है कि निंदा करने वाले, शंका करने वाले, आलोचना करने वाले व्यक्ति का साथ मत दो, उससे बात न करो, नहीं तो यात्रा और लंबी हो जाएगी।